लास्ट लेक्चर में आई हैड डिस्कस्ड अबाउट एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड द मेथडोलॉजी. आई हैव डिस्कस्ड दिस मेथडोलॉजी, लाइक वैल्यू ऑफ के, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ के एट इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड डिसोसिएशन. दैट गिव्स एन आइडिया अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स. ठीक है, जनरली ऐसा होता है कि एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं, आई मीन ऑब्वियसली दोज एसिड्स जिनका के वैल्यू, एक का के वैल्यू मान लो 500 है और दूसरे का के वैल्यू है 20,000. तो द एसिड विथ वैल्यू 20,000, के वैल्यू 20,000 विल बी स्ट्रॉन्गर देन द एसिड विच इज हैविंग के वैल्यू 500. ठीक है, इट इज इन जनरल ये ऐसा होता है कि नॉर्मल स्ट्रेंथ, दैट इज वन मोलर कंडीशन है, अगर किसी चीज की और किसी एसिड की वैल्यू किसी एसिड की वैल्यू अगर 1,000 के ऊपर है, ठीक है ना, अंडर नॉर्मल कंडीशंस अगर के वैल्यू ऑफ एन एसिड इज ग्रेटर देन 1,000, देन उसको एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग एसिड मानते हैं. एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब कि अंडर मोस्ट ऑफ द लाइक कंसेंट्रेशन, मतलब कोई भी उसका कंसेंट्रेशन लेंगे, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी मोर देन 95% डिसोसिएटेड. एंड नॉर्मल कंडीशंस में मतलब वन मोलर वगैरह अगर लेते हैं तो इट विल बिकम ऑलमोस्ट 99.9% और इवन मोर डिसोसिएटेड. ठीक है, सो दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स. और उसमें फिर डिसोसिएशन जो ले लेते हैं हम, डिसोसिएशन जो लेते हैं वो ऑलमोस्ट 100% ले लेते हैं. वी कंसिडर देम टू बी एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड फॉर देम द डिसोसिएशन वी कंसिडर इट टू बी कम्प्लीटली डिसोसिएटेड. ठीक है, इट इज जनरली लाइक इफ के ए वैल्यू ग्रेटर देन 1,000. रिमेंबर केमिकल इक्विलिब्रियम में K value जो होती थी वो 1,000 से ज्यादा होती थी तो वी यूज टू कॉल इट प्रोडक्ट फेवर्ड, राइट? द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी डोमिनेंट इन सच रिएक्शंस एट इक्विलिब्रियम. सेम इज हियर आल्सो, इजंट इट? एसिड में अगर के वैल्यू 1,000 के ऊपर है तो एसिड प्रोडक्ट फेवर्ड हो गया, यानी अपने आयंस में वो डिसोसिएट कर जाएगा. मेजॉरिटी ऑफ इट इज गोइंग टू गेट डिसोसिएटेड इनटू आयंस एंड हेंस इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग एसिड्स. ठीक है, लाइक HCl, H2SO4 एंड ऑल अदर्स, दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एसिड्स, सॉरी एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग एसिड्स. ठीक है, and obviously we are talking about water as a solvent. ठीक है, अभी मतलब ये dissociation का basic idea देने के बाद I'll enter into another realms जहाँ पर हम लोग solvents वगैरह change करके भी देखेंगे कि what is happening and then you will understand there is something called as leveling effect and differentiating effect of solvents. तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊँगा. It is greater than 1,000.
ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सच एसिड्स आर गोइंग टू बी HCl, HBr, HNO3, even HNO2, H3PO4, इसका फोर्स्ड डिसोसिएशन, ठीक है। H3PO4 में तीन एसिड्स रहेंगे, तीन H प्लस निकल सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट डिसोसिएशन। पहला H निकलता है तो दूसरा H निकलता है तो वी कॉल इट सेकेंड डिसोसिएशन, तीसरा निकलता है तो थर्ड डिसोसिएशन और फाइनल डिसोसिएशन, ठीक है। सो इसमें बेसिकली तीन रिएक्शंस होते हैं। H3PO4 कैन इंटरेक्ट विद वाटर टू फॉर्म H3O+ प्लस H2PO4-, दिस इज फर्स्ट डिसोसिएशन, देन वी हैव H2PO4- प्लस H2O, दिस इज फर्स्ट HBO4-, this is called second dissociation, and then you have third dissociation. इस चीज को KA1 बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड KA2, दिस इज कॉल्ड KA3। इज दिस ओके? ये पॉइंट्स क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है? डिसोसिएशन नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है। सो एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स के रिगार्डिंग दो इंपॉर्टेंट चीजें थी। नॉर्मल किसी भी एसिड के लिए देखना होगा तो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, या उसके बेसिस पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम इस तरीके से, अगर के दिया हुआ है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसी रूल के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। के अगर दिया हुआ है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या फिर के नहीं दिया हुआ है, डिसोसिएशन लेवल दिया हुआ है, तो के की वैल्यू इस फॉर्मूले से हम डिटरमाइन करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए, जो एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, उनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग हमेशा 100% लेते हैं, फुल्ली डिसोसिएटेड मानते हैं, इज ऑलवेज अज्यूम टू बी 100% एंड इट इज कंसिडर्ड फुल्ली डिसोसिएटेड। अब यहाँ पर और देर इज पॉलीप्रोटिक एंड मोनोप्रोटिक एसिड्स, जनरली अब दिस इज पॉलीप्रोटिक, इसके अलावा H2SO4 भी इसका एग्जांपल है, H2SO4, H2SO3, ऑल अदर्स, ठीक है। H2SO4 में भी फर्स्ट डिसोसिएशन जो होता है वो 100% रहता है, सेकेंड डिसोसिएशन जो रहेगा दैट इज नॉट गोइंग टू बी 100%, दैट बिहेव्स एज अ वीक एसिड और एवरेज एसिड, ठीक है ना। यहाँ पर फर्स्ट डिसोसिएशन जो है दैट बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सेकेंड एंड थर्ड डिसोसिएशन जो होएगा दैट इज गोइंग टू बिहेव एज अ नॉर्मल एवरेज एसिड, ठीक है, यानी पार्शियल, इनफैक्ट वीक एसिड की तरह बिहेव करते हैं, पार्शियल डिसोसिएशन होएगा। पहला वाला भी फुल्ली डिसोसिएटेड नहीं होता है, बट इसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि फुल्ली डिसोसिएटेड है, ये 95% के रेंज में ही रहता है, बाकियों के कंपैरिजन में फुली डिसोसिएटेड तो नहीं रहता, फिर भी हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इन लोगों का पहला डिसोसिएशन जो होगा डेफिनेटली फुल डिसोसिएशन होएगा,
सेकेंड डिसोसिएशन जो रहेगा H2SO4 या H2SO3 का, दैट इज गोइंग टू बी नॉट फुल्ली डिसोसिएशन, नॉट फुल डिसोसिएशन, दैट विल बी पार्शियल डिसोसिएशन, वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा। यानी HSO4 माइनस जो होगा ये कैसा बिहेव करेगा, दिस इज बिहेव एज वीक एसिड, वेयर एज H2SO4 इज गोइंग टू बिहेव एज स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज बेस डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, बेस डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट केपी, नहीं बेस डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट भी लाइक एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, it is going to be defined in similar manner. Relates extent of dissociation for base in solution and it is indicated of strength of the base, stronger, so higher the value of Kb, higher the value of Kb, stronger the beta. Higher the value of Kb, stronger will be the base. In general, Kb is greater than 1000. Solution is considered as 100% dissociated. Multiple examples, all group 1, NaOH, KOH, RBOH, CSOH, hydroxide, strontium, barium. These are
general strong acids. There are other strong acids also. These are strong acids. As I said, these are strong bases. Bases ke liye reaction, it's going to be almost, it's going to be depicted in a similar manner. Or general case mein BOH hum notation lete hain iska base ka, and H2O ke sath react karke it is going to produce B plus aqueous ion and OH minus aqueous ion. Theek hai? And again yahan par C0 concentration hai. Initially ye 0 rahenge. Alpha degree of dissociation hai to 1 minus alpha ho jayega at equilibrium. Equilibrium. If DOD is equal to alpha. So C0 1 minus alpha, and this will become C0 alpha, and this will become C0 alpha again. Therefore, KB will be equal to concentration of B plus concentration of OH minus by concentration on BOH, that is C0 alpha into C0 alpha, C0 alpha divided by C0 into 1 minus alpha. That is C0, C0 cancel, it will become C0 into alpha square by 1 minus alpha. Okay? These are two things. इसके बाद होता है salt का dissociation, ठीक है? तो salt हमेशा strong electrolyte की तरह behave करता है. Acid and bases, they might, depending upon their value of Ka and Kb, they are going to depend on either weak or strong, ठीक है? But when it comes to salts, ठीक है? पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ. As far as dissociation is concerned, ठीक है ना? Salt के cases में, actually salts की चार अलग अलग varieties होती हैं, ठीक है ना? और वो लेकिन थोड़े से बाद में हमको जानना है, लेकिन ठीक है मैं अभी बता देता हूँ. The salt can be made from either, I mean we know that salt is has been prepared primarily by neutralizing an acid with base. ठीक है, एक acid को एक base के साथ neutralize करेंगे तो salt बनेगा. तो on the basis of कि what combination of acid and bases are we taking to produce the salt? For example, if salt is made from strong acid and strong base, ठीक है, that's category number one. That's category number one. Then you have strong acid and weak base. This could be another possibility. And this will give us category number two. The third category can be weak acid and strong base. And fourth category could be weak acid and weak base. ठीक है, ये चारों ही कैटेगरी जो होती है दे आर गोइंग टू फॉल अंडर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इनके डिसोसिएशन को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में 100% मानते हैं. एक और वैरायटी रहेगा, that is going to be feebly dissociable salts. Feebly dissociable salt. ऐसे salts जो feebly dissociate करते हैं या precipitate forming salt.
precipitate PPT forming salts. Those salts which do not dissolve in water. Okay? Those salts which do not dissolve in water. ठीक है ना. सो इनके लिए द डिसोसिएशन इज नॉट गोइंग टू बी 100% डेफिनेटली. दे विल बी शोइंग पार्शियल डिसोसिएशन, पार्शियल या वेरी फिबल डिसोसिएशन, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन. बट फॉर रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज, दैट इज फॉर एनी ऑफ दीज फोर, we are always going to consider or we are always going to treat them as if not they are always considered to be 100% dissociated when it comes to forming ions are concerned. Theek hai, dissociation part mein ye 100% dissociated mane jaate hain. And then there will happen to be कुछ और चीजें भी होंगी इसके अंदर में. हाइड्रोलिसिस करके होता है, इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग वाले का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है. बट ये वीक कंपोनेंट जहां भी आते हैं ना, दे कैन हाइड्रोलाइज. अब वो मैं थोड़ा अलग से बताऊंगा तुम लोगों को, अलग से मतलब इसी में बेसिक ट्रीटमेंट के बाद फिर वो आता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में एग्जैक्टली होगा क्या, होता क्या है, जैसे सी NaCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, और ये सोडियम मिथेनोइक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं या मिक्स करते हैं, तो दैट इज गोइंग टू फॉर्म सोडियम फॉर्मेट. ठीक है, या सोडियम मिथेनोएट. ठीक है, या इथेनोइक एसिड एंड NaOH को मिलाते हैं, तो इट इज गोइंग टू फॉर्म सोडियम इथेनोएट. राइट, NaOH प्लस CH3COOH व्हेन गोइंग टू बी मिक्स्ड टुगेदर दे आर गोइंग टू फॉर्म CH3COO Na plus H2O. अब ये सॉल्ट को वापस से अगर मैं वाटर के अंदर डालता हूं तो what will happen? It will dissociate firstly into ions. और ये प्रोसेस जो होगा ये कंप्लीट होता है. It will dissociate into minus ion and Na plus. ठीक है, ये प्रोसेस जो होगा, दिस डिसोसिएशन प्रोसेस, दिस इज इक्विलिब्रियम. सो क्या है, एक्चुअली इक्विलिब्रियम नहीं, कंप्लीटली फॉरवर्ड रिएक्शन होता है. ठीक है, 100%. Fully dissociate. ठीक है, though we know that this is weak acid, weak base से बना हुआ salt है, but फिर भी ये 100% dissociate होगा. अब इसका second part जो होता है, वो जो है वो fully नहीं होता, यानी ये जो ion है ना, फिर water के साथ interact करता है, ये already water में है, और ये water के साथ interact करके, ये कुछ इस तरह का species generate करता है. प्लस H2O. ये रिएक्शन जो होता है ये इक्विलिब्रियम में रहता है एंड इट प्रोड्यूसेस दिस सॉर्ट ऑफ थिंग. COH एक्वस बनाएगा एंड प्लस OH माइनस एक्वस क्रिएट करेगा. ठीक है, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस. Are we getting this point?
हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में क्या हो रहा है, हाइड्रो मतलब वाटर, लिसिस मतलब ब्रेकिंग डाउन, ठीक है. व्हेन आवर वाटर मॉलिक्यूल्स स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन इनटू एच प्लस एंड ओ एच माइनस, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, ठीक है. तो यहाँ पर वाटर के का मॉलिक्यूल जो है दैट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू एच प्लस एंड ओ एच माइनस इन ऑर्डर टू जनरेट. अब एच प्लस जो जनरेट होता है वो इस बेसिक आयन के साथ रिएक्ट करके एंड एसिड का जनरेशन करता है. दिस इज द हाइड्रोक्सिल आयन्स रिमेन एज इट इज, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ पार्शियल हैपनिंग थिंग. दिस वोंट बी 100%, दिस विल बी गाइडेड बाय द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है. पहला वाला पार्ट जो हुआ वो क्या होगा, दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन, एंड डिसोल्यूशन और डिसोसिएशन इज गोइंग टू बी 100% फॉर ऑल दीज सॉल्ट, नॉट ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, रादर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एंड वीक एसिड वीक बेस के लिए भी 100% रहेगा डिसोसिएशन वाला पार्ट, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है. और ये वाला हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट क्या होगा, गाइडेड बाय इक्विलिब्रियम, गाइडेड बाय इक्विलिब्रियम. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट, ये बात समझ में आ रही है, कोई इश्यू नहीं है ना. यस सर नाउ आई विल अगेन टेक यू गाइस टू एक छोटी सी चीज होती है, लाइक अब ये के जो है ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा, राइट. तो एक बेसिक सी चीज जो होती है वो इसके अंदर, या इस तरह का कोई भी के वैल्यू जो अभी इस पॉइंट तक अभी तक जो डिस्कस किया है या जो आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है, ऑल सच के वैल्यूज आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, ठीक है. तो वेंटॉप इक्वेशन जो होगा टेम्परेचर डिपेंडेंसी वाला, they all are going to be equally applied on all such equilibrium constants, right? उनके लिए अलग से बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे, सबके लिए अलग अलग से नहीं बोलेंगे ना, या बोलने की जरूरत रहेगी सबके लिए रिमाइंडर. ओके ये पॉइंट एक लिख लेते हैं हम लोग. Dissociation constant of all the electrolytes are equilibrium. Their values are temperature dependent, temperature dependent, and their dependency is given by remember this equation LnKT2 by LnKT1 is equal to delta H upon R into 1 by T1 minus 1 by T2. ठीक है,
now I'll introduce you guys to, there is something called as pH scale or Henderson scale. Okay. And over there, I'll also discuss you about, along with it, like Henderson scale ke saath saath hi, dusri cheez jo is discuss karunga, wo solvents ke regarding kuch discussions karunga, and fir I'll discuss about conditions of being acid. I mean, what or how do or how are we going to define or consider a particular species as acid or as a base? Okay. So the next thing we are going to discuss is Sorensen scale. See, इसमें क्या होता है, it's a simple concept, fairly simple concept. और suppose हमने कोई acid लिया, acid को हमने water के अंदर डाला, it will dissociate into making H3O plus and A minus. ठीक है, अभी इसका कंसेंट्रेशन कितना हुआ और इसको मुझे एक्सप्रेस करना है. जनरली इसके कंसेंट्रेशन को मैं सिंपली ऐसे लिखूंगा H3O प्लस, या फिर इसके कंसेंट्रेशन को A माइनस आयन के कंसेंट्रेशन को मैं A माइनस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. ये इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज रहेंगी और इस कंसेंट्रेशन को instead of expressing as like normal numerics, I can also opt to represent it as this new format. Okay, so Sorensen ya P scale ke andar mein we can opt to represent it as. Okay, isme hota kya hai, jaise iske wale value ko hum log pH bolte hain. Okay, pH and pH ka matlab kya hota hai, simply means minus log with base 10 concentration of H3O plus. Okay,
सिमिलरली ए माइनस के कंसेंट्रेशन को आई एम गोइंग टू कॉल इट पी ए माइनस, ठीक है, एंड दिस विल बी माइनस लॉग विथ बेस 10. अब बेस 10 रहता है तो लिखने की जरूरत नहीं रहती है, बेस 10 अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब है कि बेस 10, ठीक है, एक्सेप्ट आपकी HSC बुक, वहां पर मैथमेटिक्स में बेस नहीं है, इसका मतलब दे हैव अज्यूम्ड इट टू बी बेस ई, दैट्स नॉट द राइट वे टू डू. एनीवे माइनस लॉग सिंपली ए माइनस हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है. एंड दिस पी स्केल इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू बीज एंड पर बेसिस के लिए भी एग्जैक्टली इसी तरीके से रहेगा. बी ओ एच अगर है और वो उसको H2O में डाला तो देर विल बी सम बीन प्लस एक्वस विल बी फॉर्म एंड देन ओ एच माइनस एक्वस विल बी फॉर्म. यहाँ पर भी कंसेंट्रेशन ऑफ बी प्लस का अगर लॉग ले लेते हैं, इफ आई एम गोइंग टू टेक माइनस लॉग ऑफ बी प्लस, बेस इज गोइंग टू बी 10, दिस इज गोइंग टू नोन एज बी बी प्लस, ठीक है, और माइनस लॉग ऑफ ओ एच माइनस अगर लिया हमने तो वी आर गोइंग टू कॉल इट पी ओ एच, ठीक है. नॉट ओनली दिस, ये मतलब इनके लिए तो है ही, बी ओ एच के लिए भी हम डिफाइन कर सकते हैं, एच ए के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है. पी एच ए क्या होगा, पी एच ए इज नथिंग बट माइनस लॉग ऑफ एच ए, ठीक है. सो ये पी किसी के भी पहले लगा दिया तो उसका मतलब क्या हुआ, माइनस लॉग ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटिटीज, ठीक है, या वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटिटी. सो अब यहां पर क्या है, इस एसिड का अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट के है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की भी पी वैल्यू हो सकती है, होती है और हो सकती है, रिप्रेजेंट करी रहेगी, वी कैन हैव पी के ए, ठीक है, एंड दिस सिंपली मीन्स व्हाट, माइनस लॉग ऑफ के ए. सिमिलरली वी आर गोइंग टू हैव फॉर दिस, अगर ये के बी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो आई एम गोइंग टू हैव माइनस लॉग बी ओ एच एज टी बी ओ एच, ठीक है, एंड माइनस लॉग के बी इट इज गोइंग टू गिव पी के पी. आई होप we are able to understand this. और चूंकि ये a माइनस आयन के लिए भी a माइनस आयन या b प्लस आयन के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जब हमारे पास फीबली डिसोसिएबल सॉल्ट्स आएंगे, फॉर एग्जाम्पल AgCl, ठीक है, ये फीबली डिसोसिएबल होता है, फीबली डिसोसिएबल सॉल्ट, ठीक है. तो इसके लिए भी क्या रहेगा, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस ए जी प्लस एक्वस एंड सी एल माइनस एक्वस, ठीक है, और इस केस में फीबली डिसोसिएबल के केस में वी आर गोइंग टू हैव के एस पी, ठीक है, एंड यहां पर हम पी के एस पी डिफाइन कर सकते हैं, पी के एस पी दिया जा सकता है आपको, दिस इज गोइंग टू बी माइनस लॉग के एस पी, एंड सिमिलरली वी कैन यू कैन हैव पी ए जी प्लस एंड दिस इज माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ ए जी प्लस एंड पी सी एल माइनस, दैट इज माइनस लॉग सी एल माइनस, ठीक है. और हाउएवर इन जनरल, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये आपको मेंस या एडवांस के पेपर में कभी कभार देखने को मिलेगा, इस टर्म्स में लिखा रहेगा, बाकी जनरल जगह पे जनरल एग्जाम्स वगैरह में आप जाओगे या अटेम्प्ट करते हो तो उसमें दो तीन चीजें ही सिर्फ आपको मिल सकती हैं, एक तो पीएच पीओएच, ठीक है, पीएच एंड पीओएच मिल सकता है आपको, पीके भी मिल सकता है एंड पीके मिल सकता है, ठीक है,
और हाँ एक चीज और आएगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर PKW, वो एक आपको पी के टर्म्स में मिलेगा। सो बाकी नॉर्मल जगह पे यू आर ओनली गोइंग टू फेस दीज थिंग्स, ठीक है। एक तो ये वाली चीज फेस करोगे, और एक ये वाली चीज फेस करोगे, एक इसको फेस करोगे, एक इसको फेस करोगे, चार। और पांचवी चीज मैंने बताई PKW, ठीक है। अब ये PKW क्या है ये भी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। सोरेनसन स्केल हो गया, तो अब नाउ इट्स टर्न फॉर मी टू एंटर इनटू इलेक्ट्रोल सॉरी सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट्स के बारे में फिर से थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम लोग, एंड दैट विल गिव यू एन आइडिया अबाउट वॉट इट इज, हाउ इट इज, एंड हाउ टू डील विथ इट। सॉल्वेंट्स का क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। आई होप सोरेनसन स्केल, पी स्केल जो है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दिस इज नॉट समथिंग बिग जो ना समझ में आए, इट जस्ट अबाउट लॉग। एंड लॉग कैसे यूज करते हैं ये पता है हम लोगों को बाई एनी चांस? डू वी ऑल नो हाउ टू यूज लॉग टेबल्स एंड लॉग्स? यस सर, ठीक है, सारे लोगों को पता है ना? नहीं पता होगा तो मुझे पिंग कर देना अलग से, एक वीडियो भेज दूंगा उसको देख लेना, ठीक है। थर्ड थिंग इज, what is that SP which you've written in the solubility subscript of P? product, solubility product. All right. Solubility solvent. देखिए सॉल्वेंट जो है हमारे पास, एक तो इम्पोर्टेंट सी चीज ये है कि अगर किस मतलब अगर दूसरी चीजों को डिसॉल्व करना है मुझे, उनको सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है, और इट इज बेटर अगर सॉल्वेंट मेरा लिक्विड फेज में है तो वो ज्यादा चीजों को अकोमोडेट कर पाता है। सॉल्वेंट्स के टाइप क्या क्या है, तो जनरली तीन टाइप के सॉल्वेंट्स हमारे पास होते हैं। पहला होता है कैटेगरी, वो होता है पोलर प्रोटिक, दूसरा है पोलर ए प्रोटिक, और तीसरा मेजर कैटेगरी जो होता है वो होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। पहले भी मैंने डिस्कस किया हुआ है और फिर से ये कर रहा हूँ, पहले जब किया था I had discussed about polar and non-polars. Aprotic में polar और non-polar दोनों होते हैं, और बाकी ये जो होते हैं protophilic, protogenic and amphoteric solvent. Proton generate किया तो proto sorry proton accept किया तो protophilic, proton generate किया protogenic and amphoteric. So that is there. पोलर प्रोटिक, पोलर ए प्रोटिक एंड नॉन पोलर। पोलर प्रोटिक जो है ये दो टाइप के
it can be either protogenic or it can be protophilic. So wo sare categories protogenic and protophilic. ठीक है. सॉल्वेंट्स के साथ में ऐसा होता है कि आई मीन इफ दे फॉल अंडर दिस कैटेगरी, पोलर प्रोटिक फॉर्मेट में अगर फॉल करते हैं तो जनरली आई मीन पोलर प्रोटिक में अगर वो फॉल कर रहे हैं तो दे आर इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड that if they are polar protic, they are more polar and hence more or hence less stronger bond, less stronger. Actually, less stronger bonds बोलना सही नहीं होगा. The better word to use is hence more tendency to dissociate. ठीक है. Dissociation देखो दो चीजों पर depend करता है. एक तो obviously आपके दो atoms के बीच की bonding कैसी है, bond strength कैसी है, उसके ऊपर तो depend करता ही है. But दूसरी ज्यादा important चीज जो होती है जिसके ऊपर वो depend करता है ना, वो इस बात पे भी depend करता है कि जब ये break हो गए, ठीक है ना, break होने के बाद इनकी surrounding कैसी है. बात समझ में आ रही है, इनकी surrounding कैसी है और ये surrounding के साथ कैसे interact कर रहे हैं. अगर ब्रेक होने के बाद इनके सराउंडिंग में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके साथ ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है, मतलब एक लेवल से बेटर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स फॉर्म कर पा रहे हैं, या इनके सराउंडिंग में जो एंटिटीज है उनके साथ ये बेटर इंटरेक्शन कर रहे हैं सच दैट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर पाए, ठीक है. तो दिस रिलीज ऑफ एनर्जी will assist in breaking down of this bond, ठीक है. और ऐसे सिनारियों में ये बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्गर भी रहेगा ना तब भी ये ब्रेक करता है. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स के साथ एग्जैक्टली ये सिनारियो होता है. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डिसोसिएशन के बाद, सॉल्वेंट के डिसोसिएशन के बाद, जैसे H2O के डिसोसिएशन के बाद जो चीज बनेगी वो H प्लस एंड OH माइनस बनेगा, ठीक है. और ये अपने सराउंडिंग में रहने वाले H2O के साथ फुल्ली इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है. इसके लोन पेयर्स जो हैं ये इसको डोनेट होते हैं जिसकी वजह से ये H3O प्लस बना लेता है. बात समझ में आ रही है. एक्वस वाला भी जो है O माइनस वाला, ये माइनस जो चार्ज है O के ऊपर, OH में ये O के ऊपर माइनस चार्ज रहता है, ये नए वाले H2O मॉलिक्यूल, दूसरे वाले H2O मॉलिक्यूल का ये H जो है ना ये डेल्टा पॉजिटिव रहता है, ये डेल्टा नेगेटिव रहता है, इसको ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं, यानी एक बॉन्डिंग इनके साथ ये जनरेट करते हैं अगला मॉलिक्यूल ऑफ H2O के साथ. एम आई मेकिंग सेंस. और ये इंटरेक्शन में जो एनर्जी मिलती है वो एक्चुअली H एंड OH के बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करती है. सिमिलरली कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है उसके अंदर में ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग वीक होता है ऐसा नहीं होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ही रहता है. बट ये आफ्टर इफेक्ट वाली चीजें जो होती है ना, दे प्रोवाइड इट सफिशियंट एनर्जी टू ब्रेक दिस इनिशियल बॉन्ड, ठीक है. पोलर एप्रोटिक या पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के केस में ये आफ्टर वाला जो इफेक्ट होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लिबरेट होती है.
या फिर ऐसे बोलो कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में डिसोल्यूशन एनर्जी जो होती है वो बहुत ज्यादा इवॉल्व होती है, दैट एक्चुअली हेल्प्स इन डिसोसिएशन ऑफ द सॉल्वेंट. ठीक है, वेयर एज दैट इज नॉट द केस विथ पोलर एप्रोटिक एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट. ठीक है, सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एक टेंडेंसी, डेफिनेट सी टेंडेंसी जो रहती है वो ये रहती है कि दे कैन सेल्फ आयोनाइज. ठीक है, इनके अंदर सेल्फ आयोनाइजिंग टेंडेंसी रहती है. सॉल्वेंट्स दूसरे को तो ब्रेक करने में हेल्प करते ही हैं, जैसे इसके अंदर मैंने NaCl डाला या HCl डाला तो HCl को तो ब्रेक करने में ये हेल्प करेगा ही करेगा, प्लस ये खुद को भी डिसोसिएट, मतलब अगर कुछ नहीं डाल के रखा है हमने तब भी ये खुद को भी डिसोसिएट करते हैं. ठीक है, दैट इज अ यूनिक टेंडेंसी विच दे हैव पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स. देयरफॉर सेल्फ आयनाइजेशन इज समथिंग, अ टर्म विच इज वेरी मच इंटीग्रली रिलेटेड टू और लिंक टू पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स. ठीक है, सो वी कैन टेक इट डाउन दैट. Dissolution of any chemical species in a solvent is guided by amount solvation energy released when constituent chemical species fully dissolved. एक मिनट रुक जाइए,
ठीक है. सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स के लिए सेल्फ एनाइजेशन टेंडेंसी इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना. और सी अब मोस्ट ऑफ द आयनिक रिएक्शंस या आयनिक फिनोमेना जो होता है वो हमको एक्वस सॉल्यूशन में पढ़ना होता है. तो जनरली हम लोग एक्वस सॉल्यूशन या वाटर के रिगार्डिंग ही सारी चीजें डिस्कस करते हैं. हाउएवर दिस कॉन्सेप्ट इज इक्वली ट्रू फॉर एनी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. ठीक है. तो वाटर के लिए यानी एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है दैट कैन इंटरैक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू फॉर्म H3O plus aqueous and OH minus aqueous. ठीक है. ये रिएक्शन क्या है? सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर. ठीक है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे डिफाइन करेंगे इसका? Kc that will be equal to H3O plus into OH minus divided by concentration of H2O into concentration of H2O. ठीक है. और जैसे Ka वगैरह हम लोग define कर रहे थे वैसे भी इसका एक constant define कर सकते हैं, isn't it? और let us call it as K dash, which is equal to Kc into concentration of KH2O. Sorry, H2O. Kc into H2O. And this Ka is actually acid के तरह जब हम H2O को treat कर रहे हैं तो what is happening to it or what is its value? इस चीज को इंडिकेट करता है. एंड दिस इज नथिंग बट Kc इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O. और कंसंट्रेशन ऑफ H2O क्या रहेगा? दैट इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट. ठीक है. क्योंकि ये डिसोसिएशन बहुत ज्यादा नहीं होता है और इनिशियल कंसंट्रेशन एंड फाइनल कंसंट्रेशंस आर ऑलमोस्ट सेम. तो ये वाली वैल्यू इसके लिए सेम ही रहती है, मतलब अनचेंज रहती है. अनचेंज रहने की वजह से वी कैन ऑलवेज put it here and multiply it with Kc. So this is going to be H3O plus and OH minus by single H2O. ये क्या हुआ? Acidic dissociation constant of वाटर. ठीक है. थर्ड चीज जो होता है ये नीचे वाला एक और है, इसको भी ऊपर लाके मल्टीप्लाई कर दिया. दैट इज KaH2O डैश इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O. दैट इज Kc इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O का स्क्वायर. This is going to be equal to H3O plus into OH minus. Right? This thing is also known as Kw. ठीक है? या simply we call it ionic product of water. Is this thing clear? Yes, sir. Ionic product of water. And this has happened primarily because of self-ionization of water. ठीक है? This is result of self-ionization of water. Its ionic product of water is actually a equilibrium constant. Again, a equilibrium constant due to self-ionization of water. ठीक है? सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर की तरह ही अगर अमोनिया है तो अमोनिया भी सेल्फ आयनाइज कर सकता है. अमोनिया का सेल्फ आयनाइजेशन इक्वेशन क्या रहेगा? इट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस. NH4 प्लस एंड
NH2-. ठीक है, तो जैसे यहां पर के डब्ल्यू दिया गया है वैसे ही हम लोग के एन एच थ्री भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट. के एन एच थ्री क्या होगा? इट विल बी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ अमोनिया, इजंट इट? यस सर. एंड सिमिलरली वी कैन ऑल्सो डिफाइन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ HCl और H2SO4. ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? पोलर प्रोटिक है, एंड पोलर प्रोटिक है तो दिस इज गोइंग टू गिव अस द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ HCl. ठीक है, H2SO4 के केस में भी ये होता है, H2SO4 plus H2SO4 may give H3SO4 plus and HSO4-. So all these chemicals are, or all these solvents are going to behave, or they all are going to perform self-ionization or so an extent of self-ionization. ठीक है, और इनका ये self-ionization constant जो है, या ionic product जो है, self-ionization constant और ionic product, this is also going to be a temperature dependent entity, isn't it? This ionization constants are also equilibrium phenomena, and temperature dependent. ठीक है, अब KW जो है ना, KW और इसकी वैल्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस इट हैज बीन फाउंड टू हैव अ वैल्यू ऑफ 10⁻¹⁴. ठीक है, it is only at 25 degree celsius that it is going to be 10⁻⁴. agar temperature ko hum badha dete hain, maan lo 70 ya 80 lekar ke chale jate hain, to at 70 degree celsius iski value kya ho jayegi? it will be lesser than 10⁻⁴, kyunki endothermic reaction rahega, endothermic reaction rahega to kw jo hoga wo increase kar jayega, so maybe sorry, at 70 degree Celsius, it may be equal to 10⁻¹². ठीक है, I'm saying maybe. ठीक है, just to make you understand. And if I decrease temperature, suppose at 0 degree Celsius पर मैं लेकर के जाता हूँ, तो KW क्या हो जाएगा? इससे 10⁻¹⁴ से कम हो जाएगा? Maybe. Or assumed. ठीक है, so if I am going to decrease the temperature, the KW is going to decrease, and if I am going to increase the temperature, it is going to increase. Is this clear? Is this portion clear to us? Hello. I said, is this clear to us? Yes, sir. Okay. The next thing in this regard is, जैसे H2O है, H2O के अंदर
H2O जब ब्रेक हो रहा है तो इट इज प्रोड्यूसिंग H प्लस एंड OH माइनस, ठीक है ना। अब ये H प्लस आयन जो होता है दिस कैन फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विद, एक तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये फॉर्म कर सकता है और दूसरा ये जनरली सॉल्वेट भी होता है H2O मॉलिक्यूल से, यानी एक H2O मॉलिक्यूल के साथ इस तरीके से बॉन्ड कर सकता है by donating its atom, and not only one, why only one, even more can do that. ठीक है, this is delta negative, ये positive है, तो ये इस तरीके से different H2O molecules के साथ interact कर सकता है simultaneously. Is it okay? एक या एक से ज्यादा भी, एक के साथ जब तक कर रहा होता है तो H plus happens to be found in H plus and H2O, that makes H3O plus, ठीक है, but it is not limited to H3O plus only, it can form also form H5O plus, sorry O2 plus, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के साथ इंटरेक्ट करेगा तो H5 O2 प्लस रहेगा, तीन मॉलिक्यूल के साथ करेगा तो H7O3 प्लस हो जाएगा, ठीक है, चार मॉलिक्यूल्स ऐसे करेगा, जैसे इसका फॉर्मूला अगर देखोगे तो दो दो चार दो छह एक सात और तीनों, एक और H2O आ गया तो इट कैन बी H9O4 प्लस, ठीक है, एक और H2O आ जाएगा तो H11O5 प्लस और इसके ऊपर H13O6 प्लस, ठीक है, ये स्टेट्स में ये जनरली फाइंड आउट होता है. Am I making sense? These are the states जहां तक ये जनरली फाइंड आउट होता है, ऐसा हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया हुआ है. इज इट ओके? थ्योरेटिकली हमने प्रेडिक्ट किया और एक्सपेरिमेंटली हमने ऑब्जर्व किया कि ये यहां तक एग्जिस्ट कर सकता है. इज दिस ओके? यस सर. वेरी गुड, फाइन. द नेक्स्ट थिंग रिगार्डिंग दिस इज नॉट ओनली दिस स्पेसेस बट ऑल्सो द अदर काउंटर पार्ट ऑफ इट, ठीक है, अदर काउंटर पार्ट क्या है, OH-. OH- के पास भी ये पिक्यूलियर टेंडेंसी रहेगी, ठीक है, H प्लस के पास ही नहीं, OH माइनस के पास भी ये टेंडेंसी रहती है. और ठीक है, OH माइनस के पास भी ये रहती है टेंडेंसी एंड इट कैन फॉर्म OH माइनस एक नॉर्मल रेगुलर. अच्छा, H प्लस जो है ना लोन H प्लस के फॉर्म में नेवर एग्जिस्ट, H प्लस नेवर exists as H plus in aqueous solution, ठीक है, water का अगर water के अंदर हम लोग form कर रहे हैं अगर solution को तो it is never going to exist as H plus, it is always going to exist as this or maybe as any one of this, मतलब actually not maybe, all of them are present, ठीक है, सबका equilibrium constant होगा and like decreasing amount में ये भी found होगा, ये भी 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 होगा, इसका सबसे कम amount रहेगा but found सारे के सारे होंगे, ठीक है. OH minus जो है वो इस form में भी exist करता है, ठीक है, और साथ में एक एक H2O molecules add करते जाओ और छह तक करते जाओ तो वहां तक के लेवल के साथ ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है. सो इट इज गोइंग टू एग्जिस्ट एज दिस, उसके बाद OH3 या H3O2- H3O2- H5O3- H7O4-
या फिर H9O5 माइनस H11O6 माइनस H13O7, ठीक है, ये छह लेवल तक एग्जिस्ट करता है। छह लेवल तक एग्जिस्ट करने के पीछे लॉजिक ये होता है ना कि ऑक्टाहेड्रल फॉर्मेट में ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, चार एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर एंड दो एक टॉप और एक बॉटम, इस तरीके से इनका इंटरेक्शन मैक्स हो सकता है। सो एट मैक्स छह के साथ ये इजीली बाइंड कर सकता है, और छह के साथ कर लेता है तो हर तरफ से ऑक्यूपाई हो जाते हैं, और फिर फर्दर बाइंडिंग जो होती है दैट हैज नॉट बीन ऑब्जर्व्ड, द सेकेंड लेयर ऑफ बाइंडिंग हैज नॉट बीन ऑब्जर्व्ड, वो एक स्टेबल एंटिटी की तरह नहीं एग्जिस्ट करता है, यहां तक स्टेबल एंटिटी की तरह एग्जिस्ट करता है, दे हैव बीन ऑब्जर्व्ड टिल नाउ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड, सॉरी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड, ठीक है ना। आई होप आई एम क्लियर टिल दिस पॉइंट। यस ओके, आई टेक फ्यू मोर मिनट्स। अच्छा, मनीष का भी लेक्चर नहीं होने वाला है ना। डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्वेंट is a result of it is a result of two things, ठीक है, दो चीजें क्या क्या होती हैं, the ability of solvent and the bond strength of the solute or the electrolyte, right, is a result of number one bond strength of electrolyte and second thing is solvating ability of solvent. The solvent which is being used, उसकी एबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसा रहेगा। अब इन जनरल ऐसे सोचो, लाइक अगर मैं H2SO4 को HCl में मिलाने की कोशिश करूंगा या H2SO4 को HCl में डालूंगा तो कैन H2SO4 गेट फुल्ली डिसॉल्वड इन HCl, ठीक है, या क्या वो फुल्ली डिसोसिएट करेगा HCl में या नहीं करेगा, ठीक है। सो इट हैज बीन आवर एक्सपीरियंस दैट अगर किसी एसिड को एसिड के अंदर हम डालते हैं, ठीक है, तो या तो वो डिसोसिएट करता ही नहीं है, ठीक है, या फिर जो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, जो दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड होगा और दोनों के बीच का कितना स्ट्रेंथ डिफरेंस है, ठीक है, यानी के वैल्यू का डिफरेंस कितना है, उससे उसके बेसिस पे स्ट्रॉन्गर वाला एसिड कितना डिसोसिएट करेगा वो डिटरमाइन हो पाता है, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज अगर H2SO4 को मैं चार पांच चीजों में डालता हूं, चार पांच अलग अलग सॉल्वेंट्स में, स्टार्टिंग विथ अमोनिया, ठीक है, फॉलोड बाय H2O, इसके बाद इसको मैं डालता हूँ एसिटिक एसिड में या एथेनोइक एसिड में, ठीक है, और फिर मैं इसको डालता हूँ HCl में, ठीक है। तो व्हाट इज गोइंग टू बी, आई मीन व्हाट एक्सपीरियंस डू यू गाइस आर गोइंग टू हैव, H2SO4 NH3 में जब हम डालेंगे तो ये इसके साथ फुली रिएक्ट कर सकता है, H2SO4 will react with ammonia and that too very completely to form ammonium sulfate. Am I making sense?
इसका रिएक्शन फुल्ली कंप्लीट होएगा, ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, फॉर्मिंग अ गुड बॉन्ड विथ H2O अमोनिया एंड H2SO4 फॉर्मिंग वेरी गुड बॉन्ड. दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी 100% कंप्लीट. ठीक है, H2SO4 में को H2O में डालेंगे, इट इज स्टिल गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 100%, नॉट एग्जैक्टली 100%, बट ऑलमोस्ट 100% कंप्लीटली डिसॉल्व. Am I right? Forming HSO4 minus and H3O plus. Is it okay? Acetic acid में कैसा रहेगा? ये fully तो definitely नहीं होएगा. But H2O के comparison में, H2O में जितना हो रहा था उसके comparison में थोड़ा कम, ये यहां पर भी dissolve होएगा. ठीक है? This time it will form. Is still going to be forward only, not backward dominant. CH3COOH2+HSO4-. Dissociation similar fashion में होगा, ठीक है? और HCl के बाद एक काम और करते हैं, self dissociation भी देख लेते हैं, तो फिर it might be clear to you. तो अब H2SO4 को अगर HCl में हमने डाला, तो what are we going to observe? H2SO4 in HCl. Now dissociate यहाँ भी होगा H2SO4 and it will donate some H+ to HCl. ठीक है? But इस time क्या होगा? Forward extend जो होगा वो relatively less dominant होगा. On backward वाला जो होगा that will become more dominant. ठीक है? This will be a backward favored equilibrium. Am I making sense? H2Cl+HSO4-. ठीक है, this will be a backward favored and H2SO4 का self dissociation जो होगा, यानी H2SO4 का breaking in presence of H2SO4, that is going to be more backward favored reaction and very very less forward favored. ठीक है, it is less forward favored compared to the previous one. Also, HSO4-. ठीक है? What this shows is the tendency or ability of a solute or an electrolyte to get dissociated or to get dissolved in different solvents are going to be different. ठीक है? In some of them, it is going to get fully dissolved or fully dissociated. Whereas in others, it is going to be partially dissolved or partially dissociated. ठीक है ना? That means dissociation of acids is not, or bases for that matter, is not solely their property, but it is also property of the solvents. ठीक है? अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, तो acids की अगर बात करते हैं, तो एसिड्स आर गोइंग टू बी वेरी हाईली सॉल्युबल इन और डिसॉल्व्ड इन बेसिक मीडियम और H2O. ठीक है, क्योंकि इनकी इन चीजों की टेंडेंसी एसिडिक बिहेवियर की नहीं होती है, इसलिए इनमें एसिड्स जो भी होगा वो फुल्ली डिसॉल्व हो जाएगा. ठीक है, या फुल्ली डिसोसिएट हो जाता है. If I am going to dissolve an acid in an acid, so with increase in strength of the acid, the extent of dissociation of other acid is going to decrease. Am I making sense? Similarly, with bases के लिए अगर same चीज try करते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं cesium hydroxide, ठीक है? Cesium hydroxide को हम लोग सबसे पहले NaOH solution में डालते हैं, फिर उसके बाद अमोनिया सॉल्यूशन में डाल देते हैं, फिर H2O में डाल देते हैं, और फिर कोई भी एसिड ले लो, CH3COOH के साथ मिक्स कर देते हैं, और कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी ले लो अपनी इच्छा से, कोई भी HCl ले लो. ठीक है, अभी क्या होगा, रिएक्शंस उल्टे हो जाएंगे. क्या होगा, CSOH in presence of OH minus
is going to be less forward favored. Okay, it's going to be more backward favored. Forward favored hoega to kya banega? It is going to form backward favored ye. Forward favored mein ये NaOH से basically आ रहा है हमारा OH minus. So बहुत कम अमाउंट ऑफ OH minus रिलीज कर पाएगा और ये बहुत कम अमाउंट ऑफ एक्चुअली ये फॉर्म नहीं होता है. फॉर्म यहाँ पर यही ये रहता है NaOH Na plus aqueous solution के फॉर्म में रहेगा और OH माइनस जो रहेगा वो एक्सेस अमाउंट में आ जाएगा. ये तो डिसोसिएट वाटर में. अच्छा अब अगर हम डायरेक्टली CsOH, एक्चुअली ये दोनों लिक्विड में नहीं होते हैं, NaOH या CsOH जो है ना, अगर प्योरर फॉर्म में हम मिक्स करते हैं तो दे आर नॉट गोइंग टू बी इन लिक्विड, सॉरी लिक्विड फॉर्म, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी इन सॉलिड फॉर्म एंड देयरफॉर डिसोल्यूशन वाली चीज हो नहीं पाती है. लिक्विड में इनको ला नहीं सकते, नॉर्मल कंडीशन में मेल्ट करना पड़ेगा तभी लिक्विड में आएंगे हाई टेम्परेचर कंडीशन. अगर मान लो वो कंडीशन हम लेकर के आ जाते हैं तो इट इज गोइंग टू बिहेव एज मोल्टेन में आयंस बन जाएगा. ये एक्वस नहीं डालते हैं, मोल्टेन एंड OH माइनस ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगेगा एंड इसके दो यूनिट्स रहेंगे. fully dissociate तो ये actually dissociate ही नहीं होएगा. This is going to behave as NaOH 2 minus नहीं होएगा, but NaOH रहेगा और OH minus. But this is going to be very much partially dissociated. ये OH minus इसके साथ associated नहीं रहेगा, अलग से रहेगा. ठीक है, अमोनिया के साथ सेम एक्टिविटी अगर हम करते हैं प्योर अमोनिया के साथ तो ये चीज फॉरवर्ड फेवर्ड थोड़ा ज्यादा रहेगा प्रीवियस वाले कंडीशन के कंपैरिजन में, बट इट विल स्टिल बी अ बैकवर्ड डोमिनेंट रिएक्शन. फॉरवर्ड फेवर्डनेस इसकी थोड़ी बढ़ी रहेगी पिछले वाले के कंपैरिजन में, बट स्टिल ओवरऑल इट इज गोइंग टू बी अ बैकवर्ड फेवर्ड थिंग. दैट मीन्स इट विल बी लेस सोल्यूबल इन NaOH और NaOH में सॉरी NH3 अमोनिया NH3 में भी ये इसी तरह का एंटिटी बनाएगा. दिस टाइम क्या हुआ, सॉरी हेलो एनीवन सेइंग समथिंग नाउ फ्रॉम हियर इट इज गोइंग टू बी फुल्ली फेवर्ड फुल्ली फॉरवर्ड रिएक्शन. ठीक है, इसके बाद से ये हर जगह फुल्ली फॉरवर्ड फेवर्ड रिएक्शन रहेगा. और इनफैक्ट यहाँ से मतलब एसिडिक अगर थोड़ा भी कर दिया हमने तो इट्स गोइंग टू बी CH3COO-CS+ कंप्लीट फॉरवर्ड एंड CSOH+HCl. दिस इज गोइंग टू बी आल्सो कंप्लीट रिएक्शन CHCl. ये बात क्लियर है. सो बेसिस के साथ कैसा है, बेसिस आर गोइंग टू बी लेस सॉल्युबल इन बेसिक मीडियम एंड मोर सॉल्युबल इन एसिडिक मीडियम, आई मीन फुल्ली सॉल्युबल इन एसिडिक मीडियम. अब इसमें वाटर जो होता है ना ये एग्जैक्टली इन बिटवीन आता है. ठीक है, वाटर क्या है, एग्जैक्टली इन बिटवीन आता है. अब देखो अगर HCl और H2SO4 HCl and H2SO4 के स्ट्रेंथ को हमको जज करना है, विच वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड. ठीक है, तो ऑब्वियसली इस चीज को डिस्क्रिमिनेट करने में H2O इज समथिंग विच इज इनकैपेबल ऑफ. क्यों, क्योंकि HCl और H2SO4 दोनों ही H2O में लगभग 100% डिसोसिएट होते हैं. एक 99.99% होगा तो दूसरा 99.9% होगा, बट दैट इज वेरी स्मॉल मार्जिन टू बी डिटेक्टेड बाई एनी इंस्ट्रूमेंट और इन एनी अदर वे कंडीशन. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? देयरफॉर
H2O as a solvent is playing a role of leveling solvent for these two acids, ठीक है, or it is going to have a leveling effect, strength leveling effect for these strong acids. However, अगर H2O के बदले में एसिटिक एसिड ले लेता हूं और उसमें HCl और H2SO4 दोनों को डालता हूं, तो एसिटिक एसिड इज गोइंग टू बिहेव एज व्हाट? अ डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट, जिसमें जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा वो ज्यादा डिसोसिएट करेगा, और ये हमको क्लियरली पता भी चलेगा. जैसे HCl को एसिटिक एसिड में डालते हैं तो HCl विल बी हार्डली 30% डिसोसिएटेड. H2SO4 को एसिटिक एसिड में डालते हैं तो H2SO4 इज गोइंग टू बी अराउंड 70% डिसोसिएटेड. एम आई मेकिंग सेंस? नाउ यहां पर लेवल ऑफ डिसोसिएशन जो है एसिड्स का, इट इज बिकमिंग क्लियरली डिफरेंशिएटेड. सो एसिड्स आर गोइंग टू, द वीकर एसिड्स आर गोइंग टू वर्क एज अ डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट फॉर stronger acids, ठीक है? Weaker acids are going to work as differentiating solvent for stronger acids. Am I making sense? Yes, sir. Similarly, weaker bases are going to work as a differentiating solvent for stronger bases. Weaker bases are going to work as differentiating solvent for stronger bases, ठीक है? और अगर acidic zone का कुछ भी ले लिया तो bases के साथ भी क्या होएगा? They are going to play a leveling effect, ठीक है? अगर कोई acid ले लिया तो क्या हो जाएगा? सारे के सारे बेस जो थोड़े कम भी स्ट्रॉन्ग होंगे और जो थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे? 100% डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? तो एसिड्स के लिए डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट क्या रहेगा? वीक एसिड. और बेसेस के लिए डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट क्या रहेगा? वीक बेस. क्लियर है? या बेस इज गोइंग टू बी अ डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट फॉर बेस, and an acid is going to be a differentiating solvent for an acid. ये बात clear है? I hope it is clear to us, all of us. Hello. Yes, sir. Okay. So, leveling effect and okay. एंड लेवलिंग इफेक्ट में क्या आएगा? तो अगर बेस के लिए कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, इफ आई आर कंपेयरिंग फॉर बेस, दीज ऑल थ्री आर गोइंग टू बिहेव एज लेवलिंग सॉल्वेंट्स, इजंट इट? इन सब में इस पर्टिकुलर बेस का 100% डिसोसिएशन रहेगा, ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएशन, राइट? सिमिलरली H2SO4 के केस में ये दोनों क्या है? These are going to behave as a leveling solvent. In both of them, it is going to be 100% dissociated, almost 100% dissociated. And therefore, both of them are going to play the role of leveling solvent. So, leveling solvent kya hota hai? Leaving you all guys just now. It's going to end just now. This was the last concept I was saying. This was the last concept.
डिसोसिएशन से कुछ लेना देना नहीं होता है, डिसॉल्व से लेना देना होता है, बीइंग फुली डिसॉल्व, मोर देन वन केमिकल फुली डिसॉल्व, देन सॉल्वेंट इज दिस for strong bases water and acidic solvents. This please and it is not only a strong bases, even weak base के लिए भी अगर acidic medium हमने ले लिया, water तो नहीं display करेगा weak वाले के लिए, but acid जो होंगे they are going to, acidic solvents are going to display for strong bases पहले लिख लेते हैं, ठीक है, और weak bases के लिए क्या होगा, for weak bases leveling effect कौन लाएगा, only acidic solvent, वाटर नहीं, वाटर डिस्क्रिमिनेटिंग हो जाएगा वीक के लिए, एसिडिक सॉल्वेंट्स डिस्प्ले लेवलिंग इफेक्ट, लेवलिंग, ठीक है, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स H2O एंड बेसिक solvents display leveling effect for weak acid, leveling effect kaun display karega, only basic solvents, basic solvents display leveling effect, ठीक है, next thing is differentiating effect of solvents, differentiating effect of solvents. Solvent in which different chemical species are different dissolved. Dissolve to different extent or dissolve to different extent. ठीक है, so अभी differentiating effect for strong acids, differentiating effect कहाँ पे आएगा, जनरली वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड्स विल डि
is clay. Differentiating effect clear है for weak acids water can or water acts as differentiating weak acids के लिए water भी work करता है water ठीक है for strong bases weak or strong bases will display differentiating effect and for weak base even water can do that for weak base water और at max weak bases भी चल सकते हैं मतलब weaker than जिसको analyze कर रहे हैं उससे weaker base अगर है मेरे पास they can act as that water is generally one so water के पास में क्या होता है in general for strong acid and strong bases के लिए water के पास leveling tendency होती है और for weak acid and weak bases water has differentiating tendencies I hope this is clear and you are now aware with this concept theek hai chalega so we are going to stop over here today kal ke din mein we are going to analyze like kis time pe like kisi bhi matlab koi solute dala humne water ke andar when I am going to call it that it is a acidic solution and when I am going to call it as a basic solution theek hai एंड फिर मैं ऑस्वर्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ाऊंगा कल के दिन में डाइल्यूट करने पर एसिड एंड बेस का पीएच वैल्यू कैसे चेंज करते हैं ऑल दैट एंड देयर आफ्टर ये बताने के बाद मतलब ये भी बताऊंगा कॉमन आयन इफेक्ट दूसरी चीज बताऊंगा और ये बताने के बाद देन आई विल अगेन जंप इनटू सम थ्योरेटिकल डिस्कशंस मतलब ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह का ट्रेंड तो आप लोगों ने पढ़ लिया है ऑर्गेनिक जीओसी के अंदर में राइट ऑर्गेनिक एसिड्स का ट्रेंड पढ़ा है हम लोगों ने ना विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड विच इज वीकर एसिड या स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कैसे इंक्रीज करती है कैसे डिक्रीज करती है इनऑर्गेनिक के केसेस में अभी तक वी हैव नॉट बीन फुल्ली एक्सपोज टू इट आई बिलीव ठीक है तो इनऑर्गेनिक एसिड्स का जो एनालिसिस होगा ना दैट आई विल बी प्रेजेंटिंग टू यू गाइस इन नेक्स्ट 200 अगले दो लेक्चर में हम मुझे क्या क्या करना है एक तो लाइक मैंने बताया पीएच पीओएच वगैरह कैलकुलेट करना है डाइल्यूशन लॉ करने हैं कॉमन आयन इफेक्ट करना है हम लोगों को एंड देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द ट्रेंड ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी इन इनऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसिस ठीक है So these are the two tasks which has to be accomplished in next two lectures, and then we are going to move ahead. फिर तीन नहीं चार से पांच चार टॉपिक्स नहीं चार नहीं चार क्या पांच छह टॉपिक अभी भी बचे रहेंगे अभी सारे कॉन्सेप्ट बिल्डर्स थे एक्चुअल एप्लीकेशंस अब चालू होगा मतलब थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेगा आप लोगों को और फिर वो ट्रेंड वगैरह पढ़ने के बाद बेसिकली एक्चुअल आयनिक इक्विलिब्रियम चालू होगा ठीक है अभी तक इट इज जस्ट यू कैन से ब्रेनस्टॉर्मिंग या काइंड ऑफ बेसिक बिल्डर जस्ट बिल्डिंग अप द कॉन्सेप्ट्स क्या क्या चीजें होती है देन इट विल बी द एप्लीकेशन पार्ट ठीक है चलो देन बाय फॉर टुडे Bye, sir. Thank you, sir. Tomorrow again. Take it forward. Yeah. Bye for now.